हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Asus लैपटॉप को मैंने लॉकडाउन से पहले बाय किया था और मुझे लगभग 2 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए इस लैपटॉप को हो गए हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है जब तक आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते तो उसका रिव्यू करना भी सही नहीं है। तो मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत यूज़ किया है और फाइनली यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिससे आप लोगों को एक नया लैपटॉप ख़रीदने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मॉडल नंबर क्या है। इसका मॉडल नंबर है X409FJEK502T एंड दिस Asus लैपटॉप कम्स विद अ सूटकेस लाइक पैकिंग विच गिव्स अ सेफ्टी टू द लैपटॉप वाइल डिलीवरी। तो ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ, जो कि है 8th जनरेशन का। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मज़ेदार फीचर्स के बारे में। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसी है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ रियली फास्ट एंड एफिशिएंट, बिकॉज ये लैपटॉप आता है 512 GB SSD के साथ। SSD का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो बेसिकली SSD की मदद से इसका लोडिंग और बूटिंग टाइम कम हो जाता है, जिससे आपको मिलती है फास्टर प्रोसेसिंग। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो SSDs आर बेटर चॉइस फॉर गेमिंग। इस लैपटॉप में विंडोज 10 इनबिल्ट भी आपको मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगी 8GB रैम, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 12GB। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके कलर की तो ये लैपटॉप आता है स्लेट ग्रे कलर में। ये कलर काफ़ी अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको ये कलर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा एक HDMI पोर्ट, एक माइक्रोफोन पोर्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस लैपटॉप के स्टोरेज साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, अलग से हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा डुअल स्टोरेज फैसिलिटी के साथ। इसमें 1TB हार्ड डिस्क आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको HD प्रोटेक्शन या फिर हम कह सकते हैं शॉक डैम्पनिंग केस मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पासवर्ड टाइप करना पसंद नहीं है या फिर पासवर्ड बार बार भूल जाते हैं, तो Asus लाया है एक ऐसा ही शानदार फीचर जो इसको सबसे खास बनाता है। वो है वन टच एक्सेस लॉगिन, या मैं कहूँ फिंगरप्रिंट सेंसर। अब सिर्फ आप अपनी फिंगर से ही इस लैपटॉप को लॉगिन कर सकते हैं, सिंपली लाइक अ बायोमेट्रिक। ऑल यू नीड इज अ सिंगल टच। इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा 2GB NVIDIA GeForce MX230 का ग्राफिक कार्ड, जो बनाता है इस लैपटॉप की वीडियो क्वालिटी को बहुत ही शानदार। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके नैनो एज डिस्प्ले की। इसका फुल HD डिस्प्ले पैनल 14 इंच का है, जो कि एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है, जो आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रखता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके ऑडियो सिस्टम की, तो इसमें दिए गए हैं सोनिक मास्टर के 2 स्पीकर्स, एक राइट बॉटम में और दूसरा लेफ्ट बॉटम में। मुझे पर्सनली इसका ऑडियो बहुत शानदार लगा, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी बहुत क्लियर आती है। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द साउंड सिस्टम। इस लैपटॉप के साथ आपको मिल जाएगा एक मिनी चार्जर। जनरली जो चार्जर आते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक पोर्टेबल चार्जर मिल जाएगा। If I talk about the view angles of this laptop, तो मुझे ये बस ठीक ठाक ही लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकता। मैं कैमरे को मूव करके इसका व्यू एंगल आप लोगों को दिखा देता हूँ। लैपटॉप के कीबोर्ड को बोला जाता है चिकलेट कीबोर्ड, और इस कीबोर्ड का टाइपिंग डिस्टेंस 1 key टू अनदर इज वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स साइज। अगर मैं बात करूं की शेप की, तो ये स्क्वायर साइज विद राउंडेड कॉर्नर्स में दी गई है, विच मेक्स इट इजी टू यूज। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। लैपटॉप को मैंने फुल चार्ज किया और लगभग 6 घंटे लगातार यूज किया, और इसके बाद इसकी बैटरी डेड हो गई। अगर आप इस लैपटॉप को बिना इंटरनेट के यूज़ करते हैं तो ये लैपटॉप बिना रुके लगभग 9 घंटे तक काम कर सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो जब मैंने इसको बाय किया था तो ये मुझे मिल गया था 46,990 रुपीज़ में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका वेट कितना है। ये Asus का लैपटॉप आता है थिन एंड लाइट वेट वर्जन में, और इसका वेट है 1.6 kg, विच इज़ वेरी 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 लाइट।
और मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं इस लैपटॉप को कहीं पर भी कैरी करता हूं तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसको कैरी करने में, क्योंकि मुझे वेट महसूस नहीं होता है। पर्सनली ऐसा लगता है जैसे आपने किसी टेडी बियर को उठाया हुआ हो। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।